हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये व्हाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक ग्रे स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइम ग्रीन स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड हमें मिले वो है इंजीनियर, हाइना, लाइट और फ्रीडम। ऑलराइट, तो जो लोग आपसे मिलते हैं या जो आपको जानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि आप बाकी सारे लोगों से बहुत अलग हैं, बहुत हट करके हैं आप। या तो आप कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन आपने अपने लिए चुना है जो बाकी सबसे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। बहुत हिम्मती मानते हैं आपको, बिकॉज डेफिनेटली जो भी रास्ता आपने अपने लिए चुना है वो आम नहीं है, हर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता है। और जब ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है। तो लोग इस बात की भी दाद देते हैं, आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे कि लाइट कार्ड यहाँ पर बता रहा है, भले ही आपके सामने ये चीज़ बोलते हो या ना बोलते हो, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हो या ना करते हो, लेकिन आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस इन लोगों की लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग है। जो भी आपसे मिलता है, जिसको भी आपकी लाइफ के बारे में पता चलता है, आपके बारे में पता चलता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। लाइट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके साथ बात करना, आपके साथ वक्त बिताने से लोगों को खुशी भी बहुत होती है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि लोग, चार लोग आपस में बैठ के आपकी बात करते हैं, आपकी कही बातें दोहराते हैं, आपने किसी को कोई मजेदार किस्सा सुनाया हो तो वो आपस में बैठ करके शेयर करते हैं, रिकॉल करते हैं। आप बहुत आजाद ख्यालों के हैं ग्रुप वन, जैसे ये आजाद पंछी जैसे यहाँ पर फ्रीडम कार्ड में बना हुआ है। आपने अपने लिए एक रास्ता खुद चुना है, बचपन से लेकर के आज तक आपने सिर्फ वही किया है जो आपका करने का मन हो। ना कोई आपको कभी किसी पिंजड़े में कैद कर पाया है, ना ही आगे कर पाएगा। और इस तरीके का जिन लोगों का एटीट्यूड होता है, नेचुरली लोग बहुत आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों की तरफ। तो आपके लोग भी बहुत लोग आपकी तरफ भी सॉरी बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं इस रीजन से। लुक्स तो चलो अलग बात हो गई, बट ये जो मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी या जीऊंगा, ये वाला जो एटीट्यूड है ना आपका, ये लोगों को बहुत पसंद आता है आपके बारे में। आपके अंदर एक और खासियत है कि आप सिर्फ कहते नहीं हैं, आप करके भी दिखाते हैं। कई सपने आपने देखे हैं, उन सारे सपनों को आपने पूरा भी किया है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा करने के लिए जो प्रैक्टिकल चीजें करनी है वो सारी आप करते हैं। इसलिए लोगों को पता होता है कि यार ग्रुप वन अगर कुछ बोल रहे हैं तो भाई इनको सीरियसली ले लो, बिकॉज ये करके भी दिखा देंगे। इनका ऐसा, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बेसिकली आप एक ऐसी एनर्जी है जिसको कोई चाह करके भी अवॉइड नहीं कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स सन की मौजूदगी है यहाँ पर, और सन तो इतना ब्राइट चमकता है, सो डेफिनेटली भीड़ में भी आप अलग से दिख जाते हैं। कोई फिजिकल फीचर आपका ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप अलग से दिखते हो, या फिर अगर चार लोग बैठे हैं तो उस ग्रुप में सबसे पॉपुलर आप होंगे, ये वाली चीजें। इनफैक्ट मुझे सन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपकी किस्मत में ही है पॉपुलैरिटी, चाहे स्मॉल स्केल पे हो चाहे लार्ज स्केल पे हो, बट गुमनामी की जिंदगी आपकी नहीं होगी। कई लोगों को पता होगा आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। शायद आपका काम ऐसा हो जिससे आप बहुत जिंदगियां टच करते हो और उस वजह से लोगों को आपके बारे में बहुत पता चलता हो। आप में से कुछ लोग, हाँ हो सकता है कि उन्होंने बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, लेकिन अब कोई और काम करते हो। लोगों को ऐसा मानना है कि आपकी सोच बहुत आगे है। इनफैक्ट हो सकता है बचपन से ही लोगों ने नोटिस किया हो, आपके आसपास के जो लोग थे, कि आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कम और अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा उठा बैठा करते थे, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और वही चीज आज भी है, आज भी आप अपनी एज के लोगों से 10 हाथ आगे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे और कोई चीज हो आपकी लाइफ की, आप सबसे
आगे निकल चुके हैं और हमेशा से आप सबसे आगे ही थे, हमेशा स्कूल और कॉलेज में अच्छी रैंक्स लाना, पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छे रहना, करियर में बहुत अच्छे रहना, लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है इसलिए कई एनर्जीज आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आती हैं। अब हाँ, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी लोग आपकी ओर खिंचाव फील करके आ रहे हैं उसमें से वाकई में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने लायक कौन है कौन नहीं। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास इतना दिमाग है कि वो कटाई छटाई आप खुद कर सकते हैं कि किसके साथ आपको अपना एसोसिएशन बनाना है और किसके साथ नहीं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि लोगों को आपसे किस तरीके की वाइब्स मिलती है। जब हम किसी की मौजूदगी में हो, कोई हमारे बगल में खड़ा हो, कोई हमसे बात कर रहा हो, तो क्या एनर्जी आपकी लोग फील करते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है द टेम्पल पाथ। सो द टेम्पल पाथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जो वाइब्स लोग पिक करते हैं, पहली चीज तो बहुत ही अलग सी है बिकॉज ये बहुत ही स्पिरिचुअल सा कार्ड है। डेफिनेटली लोगों को ओल्ड सोल वाली वाइब्स आती हैं आप में से, कि आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत मैच्योरिटी की आप बातें करते हैं एक किस्म से, और शायद लोग एक्सप्लेन ना कर पाते हो कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपकी मौजूदगी में लोग बहुत शांत फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे ग्रुप वन ने हर वो चीज़ करके दिखाई है जो ठानी है, वैसे हमारे लिए भी कुछ नामुमकिन नहीं होना चाहिए। तो एक शांति, एक सुकून, एक इंस्पिरेशन उन्हें आपसे मिलता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी इंसान की कंपनी में है। भले ही आपका दूर दूर तक साइंस से कोई लेना देना हो ना लेना देना हो, भले ही आपकी उम्र अभी मुश्किल से आपके अर्ली 20s या मिड 20s में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि वो किसी बिल्कुल ज्ञान के भंडार में उन्होंने कदम रख दिया हो। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। What do others think about Group 1 Spirit? Five of Wands in reverse. What do others think about Group 1? King of Wands. What do others think about Group 1? Nine of Pentacles. What do others think about Group 1? वाओ, नाइन ऑफ कप्स। सो काफी कुछ तो वही है जो ऑरिकल्स में निकल के आया। अब यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है। सो डेफिनेटली वो एनर्जी जो हमने पिक की थी कि आप बहुत आजाद ख्यालों के हैं, आपको कोई कभी कैद नहीं कर सकता, आप सिर्फ वही करते हैं जो आपका मन करता है, डेफिनेटली वो एनर्जी यहाँ पे दोबारा निकल के आई है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बताता है कि लोगों को ऐसा मानना है कि आप फालतू में किसी से झगड़े मोल नहीं लेते हैं, आप अपनी लाइफ में इतने मस्त हैं कि आपको ये तुच्छ बातों से, लड़ाई झगड़ों से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उतना नीचे आप कभी गिरते ही नहीं है कि किसी की लेवल पर उतना नीचे झुक के आप उनसे लड़ाई करें या उनके मुंह लगें। जैसे कहते नहीं है कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो वाली एनर्जी लोगों को आपसे मिलती है कि ग्रुप वन को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या कुछ जो भी बकवास बोलना हो, उन तक वो पहुंचता ही नहीं है। डेफिनेटली एक गजब का कॉन्फिडेंस भी आपसे रेडिएट होता है जो कि भी लोग पिक करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। आपके अंदर जो करेज है, जैसे कि ये शेर पीछे दिखा रहा है, जो कॉन्फिडेंस है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगी या करूंगा, किसी में हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखा दे, वो वाली चीज। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गुंडे हैं ग्रुप वन, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपकी लाइफ है और ये बात आपको बचपन से बहुत क्लियर आपने खुद ही के दिमाग में बिठा ली थी कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जिस तरीके से इसको लीड करना है मैं करूंगी या करूंगा। एंड बस तब से लेके आज तक आप अपने उसी उसूल पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि करियर भी आपका अच्छा चल रहा है और ये भी आपके बारे में लोग नोटिस करते हैं कि देखो इन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना था, सबको लग रहा था कि कहीं ये उसमें फेल ना हो जाए, लेकिन कितना बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है उनका वो काम या वो करियर जो कुछ भी है। एंड अगेन नाइन ऑफ कप्स जो कि ख्वाहिशों का कार्ड होता है, क्योंकि आपने आज तक अपनी हर ख्वाहिश पूरी करके दिखाई अपनी मेहनत से अपने दम पर, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से पैसे नहीं मांगे, जो करना था खुद किया, कभी अकेले किया, कभी एक टीम बना करके किया, लेकिन जो गोल सेट किया था अपने लिए वो पूरा करके दिखाया बेसिकली। सो अगेन नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर आपसे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने मगन होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि हमने दूसरों की जिंदगी के ऊपर क्या असर डाला है, बट मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप वन आपके कार्ड्स देख करके आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने अपनी जर्नी से कितने लोगों को इंस्पायर किया है।
जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. हो सकता है इनमें से कोई आपका साइन हो. ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं एंजल, लामा, फर्टिलिटी और सॉलिट्यूड. ऑल राइट, सो लोग लिटरली आपको एक एंजल के जैसे मानते हैं, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है. उनका ऐसा मानना है ग्रुप टू कि आप एक बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग इंसान हैं. उनका ऐसा मानना है कि आप शायद इस दुनिया में आए ही हैं दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों को प्यार बांटने के लिए, जो कि आप बहुत करते हैं. और खास बात यह है कि जब कभी भी आप किसी की मदद करते हैं, आप जेन्युइनली सिर्फ उनकी मदद करने के पर्पज से ही मदद करते हैं. आप ऐसे नहीं सोचते कि मैं इनकी मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास भी कोई हो, मतलब मैं उनको बोल सकूँ कि देखो तुम्हें याद है मैंने तब तुम्हारी मदद की थी तो अब तुम मेरी मदद करो. नहीं, कोई आपके पास आता है मदद मांगने के लिए तो आप निस्वार्थ भाव से उस इंसान की मदद करते हैं. एक चीज़ लोगों को लेकिन क्लियर है आपके बारे में कि जस्ट बिकॉज आप इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आपको कैसे भी ट्रीट कर लिए, कि अरे ये तो इतनी स्वीट से, इनको कुछ भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा पलट के लड़ाई करेंगे या पलट के कुछ बोलेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें यहाँ पर लामा कार्ड से पता चल रही है कि आपने बहुत क्लियर बाउंड्री सेट कर रखी हैं. जैसे स्कूल में वो टीचर्स नहीं होती थी जो बहुत स्वीट होती थी, लेकिन अगर तुम ट्राई करो उनको ज़्यादा मक्खन मारना इस उम्मीद में कि टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाए, तो ऐसा नहीं होता था. जहाँ उनको तुम्हारी गलती निकालनी होती थी वो निकाल भी देते थे, मार्क्स काटने होते थे काट लेते थे, पूरे क्लास के सामने डांटना होता था तुम्हें तो डांट भी देते थे. वो वाली एनर्जी आपकी है ग्रुप टू कि जब आपको स्वीट होना होता है, दूसरों की हेल्प करनी होती है तो आप वो करते हो, बट जहां आपको लगता है कि कोई अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है या कोई आपकी भलाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझ में आ जाता है और आप तुरंत उस इंसान को वहीं पे रोक देते हैं और सुना देते हैं अच्छे तरीके से ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो आपको हल्के में नहीं ले सकते हैं, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. बहुत ममता है आपके अंदर. और ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी का कार्ड निकला है तो ये रीडिंग अगर आप कोई आदमी हैं और देख रहे हैं तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती. नहीं, ये ममता आपके अंदर भी है रिगार्डलेस ऑफ आप आदमी हो या औरत हो. बच्चे आपकी ओर बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं आपकी कंपनी में. अगर आप ऑलरेडी एक पेरेंट हैं तो आप बहुत बढ़िया पेरेंट बनेंगे, मतलब हैं. और अगर आप अभी पेरेंट नहीं हैं तो मैं बता दूं, जब कभी भी आप बनेंगे आप बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे. लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कभी अगर हमारा मन बहुत बेचैन हो और हम जाकर के अपनी मदर को हग कर लें या उनसे बात कर लें तो थोड़ा काम फील होता है, राइट, थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है. वही एनर्जी आपसे भी लोगों को मिलती है. अगर जैसे सिर्फ वो लोग नहीं जो आपके बहुत क्लोज हैं, थोड़े दूर दराज के भी लोग अगर आपको जानते हैं या उनके पास आपके नंबर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी परेशानी में या कभी अगर किसी को अपना मन हल्का करना हो तो सबसे पहला नंबर लोग आप ही का घुमाते हैं. बिकॉज आपकी आवाज़ में ही वो चीज़ है कि अगर आप किसी से प्यार से बात करें, आपकी आवाज़ में वो ठहराव है कि इंसान काम डाउन हो ही जाता है. आप भले ही उनको ना बोलें कि अरे रो मत, आप सिर्फ इतना बोल दें कि बताओ क्या हुआ, बताते और आपकी हाँ से ही वो इंसान शांत हो जाते हैं. सॉलिट्यूड कार्ड से पता लग रहा है यहाँ पर कि लोगों का ऐसा मानना है कि मदद की बारी आए तब तो आप ऑफकोर्स पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आप जिसकी मदद करनी हो कर देते हैं. लेकिन जहां तक सवाल है कि हमें दोस्ती किसके साथ रखनी है या उठना बैठना किसके साथ रखना है, उस मामले में थोड़े पिकी हैं आप. और पिकी इस सेंस में नहीं कि आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है इसीलिए आप इतना चुनाव करते हैं, नहीं, इस सेंस में बिकॉज आपको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है. हो सकता है आप नेचुरल एम्पैथ्स हो ग्रुप टू. अगर किसी इंसान को कोई इमोशन इतना फील होता है तो आपको इतना फील होता है. अगर किसी को किसी बात पर इतना रोना आता है, आपको इतना रोना आता है.
उस सेंस में हर इमोशन आप लोगों से, नॉर्मल लोगों से 10-20 गुना ज्यादा महसूस करते हैं। शायद यही रीजन है कि आप को, क्योंकि पता है आपकी एनर्जी इस तरीके की है, इसीलिए आप जानबूझकर, पहली चीज तो बहुत ज्यादा घर से बाहर आप निकलते नहीं, और अगर निकलते हैं तो उन लोगों के साथ सिर्फ उठना बैठना प्रेफर करते हैं जिनका कि आपको पता है कि आपके साथ अच्छा तालमेल बैठता है। इस रीजन से जो बाकी लोग हैं जो शायद आपके इतने क्लोज ना हों, वो आपको इस सॉलिट्यूड की एनर्जी में देखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, अपने आप में रहते हैं, ज्यादा आपके दोस्त नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको पता है और मुझे पता है, बट जो दूर से आपको देख रहा है या सिर्फ आपको फॉर्मली जानता है, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सिलेक्टिव हैं अपने सोशल सर्कल को या फ्रेंड्स को लेकर के। ओके, आप जान लेते हैं कि लोगों को आपसे क्या वाइब्स मिलती हैं। वाइब्स इन द सेंस कि अगर कोई आपके बगल में खड़ा है या आपसे बातें कर रहा है तो किस तरीके की एनर्जी फील होती है उन्हें। सो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है अप्रिसिएशन। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है दो चीजें। पहला तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो इंसान आपको निहारते बहुत हैं, शायद आप बहुत अच्छे दिखते हैं उस रीजन से, या फिर आपके अंदर ये कला है कि आप किसी इंसान को खुद से प्यार करवा सकते हैं। खुद से मतलब आपसे नहीं, उन्हीं से, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, आप सेल्फ लव सिखाते हैं दूसरे लोगों को, वो वाइब्स भी उन्हें आपसे पिक होती है। मतलब आपसे बात करना या आपके बगल में खड़ा रहकर आपकी बातें सुनने से इंसान बहुत एम्पावर्ड फील करता है, उन्हें लगता है हाँ मैं भी कुछ हूँ, उन्हें अपने आप के बारे में बहुत अच्छा महसूस होता है। शायद ऐसा इसलिए है बिकॉज ये कला आपके अंदर है, और ह्यूमन बीइंग्स का तो नेचर ही होता है वो मंकी सी मंकी डू वाला, जो सामने वाला कर रहा है वही चीज़ हम भी करेंगे। तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और लोग देखते हैं कि आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं, आप खुद से कितने अच्छे से पेश आते हैं, तो वही चीज़ वो फील करते हैं, वो वाइब्स उनको भी मिलते हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप टू स्पिरिट? नाइट ऑफ वंड्स। व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप टू? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप थ्री? सॉरी, व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप टू? Seven of Cups in Reverse. What do others think of Group 2? Eight of Swords. Wow. All right. So, Group 2. कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि आप बहुत बड़े फ्लर्ट हैं, और उसके कुछ रीजंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहली चीज तो आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, एंड आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी काइंडनेस को समझ लेते हैं कि जैसे हम उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हों। ये बेचारे उस किस्म के लोग होते हैं जिनको अच्छाई में, शायद उनको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं दूसरे से अच्छे से बात करना, उनके लिए हर चीज़ फ्लर्ट ही होती है। मतलब कोई लड़की उनसे अच्छे से बात कर रही थी, ओहो शी इज इन टू मी, वो वाली नॉनसेंस। तो शायद वो चीज़ आपके साथ भी हो ग्रुप टू, कि जस्ट बिकॉज आप किसी से अच्छे से हंस के बात करते हैं, जो कि आप वैसे भी करते हैं हर किसी से, बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देखो देखो ग्रुप टू कितनी बड़ी फ्लर्ट है, कितना बड़ा फ्लर्ट है, इनका तो काम ही यही है ना, उस किस्म से। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हैं विथ सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो आपके बारे में तरह तरीके की बातें करते हैं। मैक्सिमम लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, स्पेशली जब आपके जैसी पर्सनालिटी हो जिसको कि इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो जलते हैं आपसे वो भी पनप ही जाते हैं मशरूम्स के जैसे। खैर, तो वो एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ बातें बोलने की या साजिश करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हो नहीं पाती है। बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि अगर कभी ऐसा होता भी है कि कोई किसी को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करे, तो कोई तुरंत मानता नहीं है उन्हें। लोग अपना वक्त लेते हैं अपना जजमेंट खुद पास करने में, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज इट टेल्स मी कि जो भी लोग आपके सर्कल में हैं उनमें से कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि आसानी से किसी की भी बातों में आ जाए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। सो लिसन ग्रुप टू, मुझे इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि कई लोग हैं आपके आसपास जो आपसे जेलस हैं, लुक्स की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, जो भी रीजन हो।
सो डेफिनेटली आप लोगों को तो ईविल आई ज्वेलरी या काला धागा एंड ऑल ये सब आई थिंक आपको करना चाहिए। फिलहाल एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही कि कई लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक एक बात जो वो आपके बारे में सोच रहे हो सही हो। एनीवे वो ऐसा सोचते हैं कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, कि आप अपने खुद ही के बहुत बड़े फैन हैं, आप अपनी खुद ही की तारीफें करते रहते हैं, आप अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आप अपने सामने किसी और को कुछ समझते नहीं है, वो वाली चीज जो कि मुझे दिख रहा है इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एंजल की मौजूदगी है, यहाँ पर एम्प्रेस की मौजूदगी है, तो इन सारी बकवासों से बहुत ऊपर हैं आप। लेकिन ये कुछ बातें हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं जो आपके बारे में दूसरों के दिमाग में हैं, और मुझे रीजन भी दिख रहा है यहाँ पे। एक और सॉलिट्यूड कार्ड निकला था, मैंने आपको बताया था कि आप हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, हर किसी से आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, उसका एक्चुअल रीजन क्या है, असल कारण क्या है, वो हम लोगों को पता है। बट डेफिनेटली जो लोग आपके दोस्त नहीं हैं या जिनसे आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, वही शायद हैं जिनका ऐसा मानना है कि आप बहुत बड़े फ्लर्ट हैं और आप अपने बारे में बहुत ज्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे उतनी बात नहीं करते हैं। खैर, उन सब लोगों की बातों को अपने दिल तक मत पहुंचने दीजिए। जो साइंस यहाँ पे निकले हैं वो हैं एरीज लियो सैज, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हो सकता है इसमें से कोई आपका साइन भी हो। सो फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप थ्री, सो अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं पहले आपके ओरेकल कार्ड से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड हमें मिले वो थे जज, वुल्फ, फर्म फाउंडेशन एंड लीडरशिप। और राइट, तो लोग डेफिनेटली आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं हमेशा से, बचपन में, चाहे कोई स्कूल रहा हो, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट रहा हो, या कॉलेज में भी हमेशा आपको लीडर बनाया जाता था, क्लास का मॉनिटर हो, कबर्ड इंचार्ज हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस कैप्टन वगैरह सब कुछ हमेशा से आपका रहा है। काफी पॉपुलर आप रहे हैं, अभी भी शायद हों। लोगों को ऐसा लगता है कि आप को बेहतर जानना या आपसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनका ऐसा मानना है खास तौर पर इस एनर्जी के साथ कि आप पहली चीज तो बहुत कम बात करते हैं, अगर करते हैं तो सिर्फ मतलब भर की करते हैं, और आपके फेस पे ही हमेशा एक ऐसा लुक रहता है जिससे कि थोड़ा सा लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं हैं। सो कि आई टोटली गेट इट, मेरे शक्ल का लुक भी ऐसे ही रहता है मोस्टली, सो रेस्टिंग बिच फेस सिंड्रोम। एनीवे, सो हाँ, आपकी आपका शक्ल शायद इस तरीके की हो, पहली चीज़ तो आप फालतू में पूरे टाइम ना हंसते रहते हो, या आपके फेस पर हंसी हर वक्त ना रहती हो, या जो भी आपका थोड़ा सीरियस सा लुक हो तो लोगों को ऐसा लगता हो कि अरे भाई काट खाएंगे, क्या फ़ायदा इनसे बात करने का, मत करो मत करो, वो वाली एनर्जी। मुझे लगता नहीं है कि ये सच है, बिकॉज मुझे मेरा एग्जाम्पल पता है ना, आप लोगों को पता है, इतने सालों से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मैं एक्चुअल में कैसी हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को उनकी अपीयरेंसेस से नहीं जज करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रुप थ्री आपको लोग बहुत ज़्यादा जज कर देते हैं आपकी अपीयरेंस से, और आपकी हकीकत क्या है, आप दरअसल किस तरीके के इंसान हैं, वो कभी जान ही नहीं पाते। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो कोशिश नहीं करते हैं, मुझे एक्चुअली दिख रहा है यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि आपके लिए जज वाला कार्ड निकला है, आपके अंदर ये एक बहुत बढ़िया एबिलिटी है पहले ही सेंस कर लेने की, स्पेशली बिकॉज वुल्फ कार्ड भी आपके लिए निकला है, कि कौन बात करने लायक है और कौन नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसान बात करने लायक है तो आप उससे करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, सिर्फ फालतू बातें करेंगे या सिर्फ दूसरों की बुराई करेंगे, चिक 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 ही करेंगे या रोते ही रहेंगे पूरा टाइम, तो उस तरीके के लोगों से आप नहीं बात करते हैं।
क्योंकि लीडरशिप एंड फर्म फाउंडेशन की एनर्जी मुझे आपके बारे में बता रही है ग्रुप थ्री कि आप लोगों को दूसरों से ज्यादा अपनी कंपनी पसंद है. अगर आपको कोई बोले कि सोलो ट्रिप पे चले जाओ, आपको बहुत खुशी मिलेगी उस चीज से. आप उस किस्म के हैं, खासतौर पर लीडरशिप की क्वालिटी के साथ, आप कभी किसी के लिए वेट नहीं करते. अगर आपको कुछ करना होता है तो आप कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मूवी देखनी है, बहुत मन है आपका वो मूवी देखने का, कोई रेडी नहीं हो रहा है आपके साथ जाने के लिए, सब लोग के पास कोई ना कोई रीजन है कि आज नहीं कल चलते, कल नहीं परसों, आप बोलेंगे ऐसा है बैठे रहो, रहने दो, और आप खुद अपना एक टिकट कटा करके आप जाके मूवी आराम से देखाओगे. आपको ना हॉल में बैठे हुए कोई शर्म आएगी कि सब लोग देखो ऐसे दोस्तों के साथ आए हुए हैं या कपल्स में या फैमिलीज में आए, मैं ही अकेली बैठी हुई हूँ, मैं ही अकेला बैठा हुआ हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है आपका. काफी चिल एनर्जी है आपकी ग्रुप थ्री, टू बी ऑनेस्ट. जज की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि लोगों को ऐसा मानना है कि आपके अंदर सहन शक्ति थोड़ी कम है. सहन शक्ति किस चीज की? बकवास की. क्यों? क्योंकि जज का आर्केटाइप यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है, चाहे आपके साथ हो रही हो चाहे किसी और के साथ हो रही हो, आप तुरंत अपनी आवाज उठाते हैं. आप तमाशा देखने वाले लोगों में से नहीं है, आप तमाशा खड़ा करने वाले लोगों में से है, लेकिन अच्छे रीजंस के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी एनर्जी के नजदीक जाना चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई आपको देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपको देख रहा है, आपसे बात करने के लिए शायद आएगा, ट्राई करेगा, पास तक आ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, या बात करेगा तो इधर उधर देखेगा, आपसे नजरें मिला नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि बहुत इंटिमिडेशन है आपकी एनर्जी में. इंसान की अपनी खुद की एनर्जी थोड़ी हिलने लगती है, वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं कि वो आपसे बात कर पाए. शायद आप लोगों को पार्टनर्स ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होती हो, बिकॉज जिस तरीके की एनर्जी आपकी है ग्रुप थ्री, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, जो लाइनअप यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है, बी इंडिपेंडेंट स्पेशली बट वर्क टुगेदर, आप उस किस्म के लोग हैं जैसा हम एक्चुअली इंस्पायर करते रहते हैं हर किसी को होने के लिए, कि पहले खुद से प्यार करना सीखो फिर कहीं और किसी और में प्यार ढूंढो, वो वाली चीज़. वो एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है. आप अपनी कंपनी में इतना खुश हैं कि बहुत मुश्किल है किसी और को आपको खुश करना. एंड इसीलिए मैं जब बोल रही थी कि आपको पार्टनर्स मिलने में प्रॉब्लम होती होगी, वो पार्टनर्स उस तरीके के होते होंगे, पहली चीज तो जो चाहते होंगे कि वो हमेशा आपको आप अपने कंट्रोल में रखें, वो चीज हो नहीं सकती बिकॉज आपके अंदर वुल्फ एंड लीडरशिप क्वालिटीज हैं. मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है कि आपके पीठ के पीछे आपके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं. कुछ लोग तो ऑफकोर्स अच्छी बातें करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं उसी के बारे में ज्यादा बात करने का मन भी करता है, बिकॉज तुम्हें अच्छा कुछ पता है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ पता है, जैसे सेलिब्रिटी गॉसिप हो गई, ऑल उस तरीके से. लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पीठ के पीछे आपकी कुछ खास अच्छी बातें नहीं करते हैं. उनका ऐसा मानना है कि आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, आप पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, कहाँ का राजा या रानी समझते हैं. लेकिन जज की मौजूदगी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप अपने आप में सही हैं. दूसरों की बातें अगर कभी आपके कानों तक आई हो और आपको लगा हो कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज जज की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपको वाकई में ये एबिलिटी है राइट एंड रॉन्ग में फर्क करने की, और उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे आपके पास आते हैं सलाह मांगने के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं. एक बहुत अच्छे गाइड, एक बहुत अच्छे मेंटोर के रूप में भी कई लोग आपको देखते हैं. ऑलराइट, अब ये कार्ड हमें बताएगा कि लोगों को आपसे क्या वाइब्स मिलती हैं जब आप उनके पास खड़े होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो किस तरीके की एनर्जी उनको महसूस होती है. सो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है डोर टू वैल्यू. सो आपकी जो वाइब्स हैं ग्रुप थ्री, वो है किसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान की. आपके साथ जब कोई बात कर रहा होता है, आपके बगल में खड़ा होता है, तो उनको लगता है कि वो किसी बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसके पास लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं. देखो ग्रुप थ्री, आई विल बी ऑनेस्ट, आपकी लाइफ में दरअसल क्या हो रहा है, बंद दरवाजे के पीछे कैसा क्या चल रहा है, वो आपको पता है. लेकिन इस रीडिंग में हम जान रहे हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या मानते हैं. आई होप कि जो उनको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आई सिंसियरली होप कि आप में से सभी के लिए वो बात बिल्कुल सही हो.
ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप थ्री स्पिरिट? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप थ्री? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट डू अदर्स थिंक ऑफ ग्रुप थ्री? क्वीन ऑफ कप्स. What do others think of group 3? Five of Pentacles. All right. हो सकता है कोई ऐसी क्रिएटिव चीज हो जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, डांस कर लेते हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, कुछ भी कोई क्रिएटिव टैलेंट आपका है जिसके बारे में भी काफी चर्चा है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी उस चीज को, उनका ऐसा मानना है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प है और आप के अंदर चतुराई भी बहुत है, जैसे हाजिर जवाब जिसे कहते हैं वो चीज भी आपके अंदर है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा है कि लोगों का ऐसा मानना है कि आपका एक उसूल है लाइफ में, जैसे को तैसा, जो आपसे अच्छे से बिहेव करता है आप उससे अच्छे से बिहेव करते हैं, जो आपसे अच्छे से नहीं बिहेव करता है, थोड़ा शाणा होने की कोशिश करता है, आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं. क्वीन ऑफ कप से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको आपके अंदर सेल्फ लव की कोई कमी नहीं है, आप खुद को बहुत पसंद करते हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत अपने इमोशंस की बहुत कदर करते हैं, किसी चीज़ में अगर आपको करने से ही या किसी चीज़ के बारे में सोचने से ही अगर आपको खराब लग रहा होता है तो फिर आप वो चीज़ नहीं करते हैं या ऐसे लोगों से आप इंटरैक्ट नहीं करते हैं. कई ऐसे लोग हैं जिनके खासतौर पर वो जिनके आप फ्रेंड्स हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मालूम है क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत फन लविंग हैं, बहुत वार्म्थ है आपके अंदर. बट दूसरी ओर फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताते हैं कि जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं उनका ऐसा मानना है कि आपके अंदर टेंडेंसी है लोगों को इग्नोर करने की. बट इट्स ओके, आई थिंक जिनको आप नहीं जानते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको इतना फर्क नहीं भी पड़ना चाहिए. नहीं, एक्चुअली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जो आपको जानते हैं उनका आपके बारे में जो ओपिनियन है वो अच्छा ही है. जो साइंस यहाँ पे निकले हैं वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, तो हो सकता है आपकी चार्ट में भी ये साइंस मौजूद हो. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स लेने के लिए देखने के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय.